विकास समिति देवली द्वारा ऐतिहासिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया वो जोरदार देखा आपको लगाने ये बोलिए श्री देलवाल जी महाराज की, ये बोलिए श्री देलवाल जी महाराज की। सबसे पहले तो जाट विकास समिति को बधाई दूंगा। आज राजस्थान के अंदर जाट समाज की धर्मशालाओं में चर्चा होती है तो पुष्कर और डिग्गी की धर्मशाला का नाम आता है सबसे पहले। और तीसरी बड़ी शुरुआत जो आपने यहाँ पे की, अभी मैं पिछले दिनों नोर के अंदर गया था, नोर में भी जाट समाज ने बहुत बड़ी धर्मशाला करीब 15 करोड़ की लागत से बनाई है। और मैं यहाँ जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की, मैं जाट विकास समिति को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह राजनीतिक रूप से तो सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन अगर सारे ही लोग राजनीति करने लग जाएंगे, सारे ही बिजनेस करने लग जाएंगे और सारे ही अपने अपना ध्यान रखने लग जाएंगे तो आगे समाज का ध्यान कौन रखेगा। मैं बधाई देता हूँ इन सब लोगों का जिनके सहयोग से ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन आज होने जा रहा है। शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी आपको अनावरण यहाँ पर करा रहे हो और शानदार धर्मशाला बनाई। यहाँ कम संख्या के अंदर होते हुए जैसा कि रामविलास जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको इस तरह ही बताना चाहता हूँ कि जहाँ संख्या ज्यादा है वहाँ आपस में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं और कम संख्या है, इसलिए आप संतुष्ट हो और हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर हमारा समाज इन दुगुनी राजनीतियों की मदद करे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच या मंच पर उपस्थित टोडा महानपुरा के लोकप्रिय विधायक कन्हैयालाल चौधरी साहब, जिला प्रमुख सत्यनारायण जी, पूर्व जिला प्रमुख रामविलास जी, उनेरा के प्रधान बहन ममता जी, एसडीएम साहब प्रभातिलाल जी, हमारे उभरते हुए दो युवा नेता यहाँ बैठे हैं, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई मुकेश भाकर, भाई सुमित जी बगासा ये भी एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगा जब भी समाज को आवश्यकता पड़ी तो ये लोग सड़क पर आने से नहीं रुके। और मेरी गाड़ी पे जब पथरा हुआ था झोटवाड़ा के अंदर तब इन लोगों ने लाठियां खाई थी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे, तो निश्चित रूप से राजस्थान के पूरे युवाओं ने इनको देखा था कि कांग्रेस संगठन से होते हुए हनुमान परिवार के समर्थन में लोग खड़े थे। मैं इनको इतना ही आश्वासन दिलाता हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, देखो मेरा तो कोई आला कमान चल नहीं, मैं तो निर्दलीय हूँ बिना दल का, इसलिए मेरा आला कमान मैं खुद ही हूँ और आप आला कमान हो मेरे, जो समाज के लोग से करते हैं उसी दिशा में मैं चलता हूँ। तो मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के, जवान के, किसान के, जहाँ भी तेजा जी की कृपा से कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं मेरे भाइयों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हनुमान परिवार ने मैं तो कभी अपने राजनीतिक कैरियर की परवाह करी है और मैं आगे करेगा कि जाट समाज के लिए लड़ते लड़ते, इस किसानों के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना भी पार कर जाएगी तो मुझे उस बात का भी गम नहीं होगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई के अंदर भगत सिंह मैं जब असेंबली के अंदर बम फेंका, उसके बाद जब वो जेल के अंदर थे, फांसी की सजा उनको सुनाई थी, तब कई लोगों ने कहा कि आपने बहुत गलत काम कर दिया, आप खुद चले जाओगे, फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह को तो फांसी हो जाएगी लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो जाएगी, मेरे भाइयों को कोई गुलाम नहीं कहेगा। हनुमान परिवार राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। जब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक मेरा संघर्ष राजस्थान का है। यहाँ कई मंच पे हमारे कई लोग और भी बैठे हैं, हमारे दुर्गराज जी चेयरमैन साहब भी है, भाई रामस्वरूप जी सरपंच साहब, जिन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, कल ये सारी टीम जयपुर के अंदर आई थी। पहले मेरा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं था, लेकिन कल इन लोगों ने जब ज्यादा कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके बीच आऊँगा और आप टोंक के अंदर अभी कार्यक्रम भी मेरा आने का बाकी है, तो मैं पहले सीकर के अंदर बड़ी रैली करूंगा और उसके बाद राजधानी को हम लोग घेरेंगे जयपुर को। और हमारी जो मुख्य है, मैं सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं वो सबसे पहले हमारा मुद्दा, कई लोगों को पता नहीं, वो कह रहे हैं तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये तो अपनी कौम के लिए लेते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर किसान की संपूर्ण कर्जे माफी को लेकर सबसे पहला अगर जरूर किसी ने बजाया तो सुरक्षा के विधायक ने ऐसी रैलियां राजस्थान के अंदर करी जो रैलियां पहले बावन जिले के रास्ते में, सबसे पहली रैली नागौर के अंदर करी। और मेरी पहली मांग थी कि
जब तक प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तब तक राजस्थान निश्चित नहीं हो सकता। हमें पहले किसान को निश्चित करना होगा, किसान को मजबूत करना होगा और संपूर्ण 82,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान की सरकार माफ करे। इस बात की हुकार नागौर से हमने भरी और दूसरी हुकार बाड़मेर से भरी थी, तीसरी बीकानेर से और चौथी हम सीकर से भरेंगे और पांचवी जयपुर से भरेंगे। कन्हैयालाल जी जो मेरे भाई है और ये भालपुरा की समस्या है, समय समय पर विधानसभा के तो पानी की मांग को लेकर तो मैं कन्हैयालाल जी को कहना चाहूंगा कि आप लोग आपकी सरकार राजस्थान के अंदर दिल्ली के अंदर और 18 का चुनाव आ रहा है, हम आप सबसे विधानसभा के अंदर भी रोज मांग करते हैं कि जो 50,000 का कर्जा माफ किया है इससे प्रदेश के किसान का भला नहीं हो सकता, इसमें राइडर लगा दिया लघु सीमांत सीमांत का, आप लोग सरकार के अंदर पैरवी करो, मुख्यमंत्री के अंदर जाओ और दिल्ली के अंदर भी आपकी सरकार है तो दिल्ली में भी किसानों की पैरवी करके अगर प्रदेश के संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करा दोगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां जो कर्जा माफ करेगा उसको याद रखेंगे। जिस तरह बिहार समाज को आरक्षण की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई के बाद आरक्षण मिला था तो आज भी समाज को लड़ाई के अंदर जिन लोगों ने योगदान दिया उनको आज भी शर्माते में बिठा देते हैं, उन्होंने धोखा दे दिया होगा समाज को 10 बार लेकिन फिर भी समाज उनको याद करता है। तो मैं या बीजेपी कांग्रेस के जो भी लोग बैठे मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं और मैं तो देखो दोनों पार्टियां मुझे चाहती आजकल मैं तो ऐश्वर्य राय बना हूँ दोनों पार्टियों के, लेकिन मैं किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहता हूँ, असली किसान का बेटा अगर सीएम घोषित हो जाए तो हनुमान बेनीवाल उसी पल अपना संघर्ष छोड़ के उस पार्टी का दामन थाम लेगा, लेकिन असली किसान का बेटा जब तक सीएम घोषित नहीं होगा तब तक क्या बंद कर दिया क्या देने तक क्या वहाँ ऐसे कैसे घोषित होगा। असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, पावन से लेके आज तक हर जाति का सीएम राजस्थान के अंदर बना है और हमने हर जाति को मदद राजस्थान के अंदर करी है। हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान के अंदर 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन हो, तब भी जब गुर्जरों पर गोलियां बरस रही थी तो मैं गुर्जरों को न्याय दिलाने के लिए भी सड़क पर गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, लेकिन गुर्जर भाइयों पर जब गोली चली तो हमने कहा हम बीजेपी के अंदर जरूर है लेकिन इस तरह हमारे किसान के बेटों पे सरकार गोलियां नहीं बरसा सकती। कहीं आकर सोलह का गोली कांड हो, रावला घरसाने का गोली कांड हो, जब भी किसान के बेटों का लहू हुआ हमने आवाज उठाई, पार्टी के अंदर रहकर भी आवाज उठाई और फिर जब पार्टी ने बाहर निकाल दिया तो मेरी आवाज पूरे राजस्थान के अंदर मैं लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर जब हम बड़ी रैली करेंगे तो जयपुर के अंदर हमारा सबसे ज्यादा फोकस तो जयपुर और इन जिलों पर रहेगा और आप 15 लाख की तादाद के अंदर अगर जयपुर आ जाओगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति चलती है या तो कलम जिसके हाथ में हो वो अपने लोगों का भला कर देता और या जिसके साथ जनता की ताकत हो वो बड़ी से बड़ी सरकार को झुका देता है। कलम की ताकत तो हमारे पास है और नई 17 साल के अंदर आई, लेकिन आप मुझे अगर आशीर्वाद दोगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कर्जा माफ भी कराएंगे, फ्री बिजली भी राजस्थान के किसान को दिलाएंगे, 4 लाख जो खाली पद है वो 4 लाख खाली पद बढ़ाएंगे। ये हमारे संघर्ष का एक परिणाम था कि चुनावी बजट घोषणा के अंदर आज जो बजट पेश हुआ था उसमें 1,08,000 जवानों को नई नौकरियों की घोषणा हुई है, ये उस संघर्ष का परिणाम था। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमने बेरोजगारी भत्ते की मांग करी, जिस तरह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर अभी किसान के बेटों को बेरोजगारी भत्ते की बात चल रही है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक नौकरियां नहीं लगती तब तक हमारे जवानों को बेरोजगारों को जो डिग्री जारी है उनको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिले। टोल मुक्त राजस्थान हो, पूरा 8-8 व्यक्ति अगर दिल्ली मुंबई मद्रास कलकत्ता का चक्कर लगा जाता है ट्रक वाला उसको 20,000 रुपये टोल के देने पड़ते हैं,
वो किस बात का टोल देगा? जब रोड टैक्स देते हैं हम टोल टैक्स नहीं देंगे। इसको भी हमने हमारी मांग के अंदर रखा, हमने रखा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। जापान अमेरिका के अंदर किसान 100 रुपए खेती में खर्च करता है, उसको 200 से 300 रुपए लागत बाजार मूल्य की लागत मिलती है, लेकिन राजस्थान और देश के अंदर किसान 100 रुपए खर्च करता है तो उसे 57 रुपए मिलते हैं, 43 रुपए का घाटा मिलता है। उसी के कारण किसानों की आत्महत्याएं देश और प्रदेश के अंदर बढ़ी है। बेरोजगार से तंग आके किसान का बेटा आत्महत्या कर रहा है या हाथ में बंदूक उठा के अपराध करना चाह रहा है। हमें राजस्थान के जवान और किसान को बचाना है। हम सरकार से मांग करेंगे कि दिल्ली के अंदर किस तरह खरीफ की फसल को बाजार मूल्य से 1.5 गुना लागत के अंदर खरीदना तय किया है, उसी तरह रबी की फसल को भी 2 गुनी लागत से सरकार खरीदे समर्थन मूल्य पे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट राजस्थान की सरकार लागू करे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने प्राण बात की खातर न्योछावर कर दिए, हनुमान बनीवाल जी इस कौम को धोखा नहीं दिया, सारी जातियों को साथ लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह राजस्थान के जवानों ने इस बार शर्वत किए, जवान जिधर चलता है उधर जवानों से जमाना चलता है। आज तक जितनी भी क्रांतियां हुई थी उसमें जवानों ने शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति का नायक भी तांतिया टोपे था, और भगत सिंह की लड़ाई को भी क्या जानता है, भगत सिंह ने ऐसे भी मन फेंका और अंग्रेज डर के भागे। आज राजस्थान के जवानों ने करवट ले ली है और जवान राजस्थान के अंदर अपना राज चाहता है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि हमें उसी व्यक्ति को समर्थन देना, उसी दिशा के अंदर चलना है जो जवान और किसान के हितों में कुठारा घात नहीं करे। अभी मेरी तो कोई नई पार्टी भी नहीं बनी, लेकिन मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हम जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के किसान और जवानों को न्याय दिलाएंगे, और जयपुर के अंदर अगर आप 15 लाख लोग इकट्ठे हो जाओगे तो नई पार्टी की घोषणा कर देंगे, और 15 लाख नहीं होंगे तो फिर नहीं होगे, हो जाओगे क्या 15 लाख? और एक होना भी चाहिए, मैं बताता हूँ कि राजनीति के अंदर ज्यादा बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। ज्यादा बहुमत होने से फिर दिमाग खराब हो जाता है पार्टियों का। तो अपने ये क्या करते हैं, एक बार तो 150 सीट दे देते हो बीजेपी को और 150 दे देते हो कांग्रेस को, कभी कोई आ जाता है ऊपर से कभी कोई आ जाता है। तो मेरे भाइयों फिर आपकी चिंता वो नहीं करते, वो सिर्फ आला कमान की चिंता करते जो उनको मुख्यमंत्री बनाता है। यदि आपकी चिंता वही करेगा तो आपके माध्यम से आगे बढ़ेगा। और मैंने तो एक कई लोग मुझे पूछते हैं कि आखिर आप क्या करोगे, तो मैं तो कहता हूँ मैं या तो बनूंगा दूल्हा और या बनूंगा भारत की, दुल्हन नहीं बनूंगा मैं किसी, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो मेरा विचार यही है, और मैं धन्यवाद दूंगा टोंक के अंदर जिला प्रमुख साहब कह रहे थे कि टोंक का जाट समाज तो हमेशा लड़ता रहा है। अजमेर के अंदर जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो विश्वविद्यालय के अंदर हो चाहे कॉलेज के अंदर हो, और जयपुर के अंदर भी मैं राजनीति करता था तो टोंक जयपुर के किसान के बेटों ने हमेशा मेरा साथ दिया, जाट समाज के लोगों ने साथ दिया, गुजर मीणा दलित मुसलमान ये लोग हमेशा साथ खड़े रहे। और अब टोंक के अंदर जो मैं बदलाव देख रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि टोंक का जवान और टोंक का किसान इस राजनीति के शिखर पे आगे बढ़ेगा, प्रशासनिक सेवा में भी आगे आएगा। और आज आपके खूब प्रशासनिक सेवा के अंदर टोंक जिले के अधिकारी है जो राजस्थान के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तरफ रामविलास जी बैठे और एक तरफ विनयलाल जी बैठे और बीच में मैं निर्दलीय बैठा हूँ, दोनों भाई से मुझे खुशी है। और मैं दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बनीवाल अपनी कौम के लोगों के खिलाफ राजस्थान के अंदर कहीं नहीं बोलता, मैं कहीं भी कहता हूँ। एक मैं आवाज और करूँगा कि कई फर्जी लोग कई बार भाजपा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं और जयपुर के अंदर जाके दारू पी के फिर मजाक उठाते हैं कि अगर MLA बनना है तो मालपुरा से बन जाऊंगा, MLA बनना है तो आमेर से बन जाऊंगा, चौमू से जीत जाऊंगा। तो कम से कम सभी लोगों को जिनको आपने फर्क लिया है दोबारा काट के हड्डी नहीं चले, पूरे जिले के अंदर मैं जवानों को और युवाओं को विशेष रूप से आपको मैं आगे करना चाहूंगा कि जिस तरह भगत सिंह और तांतिया टोपे ने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे, प्रदेश के टोंक के प्रत्येक जवान को भगत सिंह और तांतिया टोपे की भूमिका के अंदर आगे चलना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाला समय आपका है, और जो हुंकार राजस्थान के अंदर किसानों ने भरी है उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी, और दोनों पार्टियों के कान खड़े होंगे। थोड़ी मजबूती रखना, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। 2018 के अंदर नेताजी का भगत असली किसान का बेटा राजस्थान का CM होगा।